लड़का मार्के, जी हाँ, सीजन टू का पहला एपिसोड और हम आ चुके हैं अपने आज के आखिरी सेगमेंट पर। हमारे साथ हैं शेफ जयरंदन भास्कर और शेफ, आज इस तीसरे सेगमेंट में फाइनली कुछ मीठा हो जाए। जरूर, क्या बात है, क्या मेरी तो कोशिश यही थी कि मैं मीठे से शुरुआत करूं, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टर बताया, फिर मेन कोर्स, तो चलिए मीठा तो बनता ही है। अब डेजर्ट पे आ ही गए हम, तो जी व्हाट आर वी मेकिंग? तो यहाँ आज मैं जो आपके लिए मीठा बना रहा हूँ वो है आलू का हलवा। क्या जी? आलू का हलवा। आलू का हलवा, ओह माय गॉड, आलू का हलवा, आपने भी वही सुना जो मैंने सुना। आलू का हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए पोटैटो मीडियम साइज के 3, घी 4 टीस्पून, कैस्टर शुगर आधा कप, सैफरन 1 चुटकी, कैशू आलमंड पिस्ताचियो चॉप किए हुए करीब 2 टेबलस्पून, ग्रीन कार्डमम पाउडर आधा टीस्पून। चलिए देखते हैं शेफ। काफी सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम आलू बॉईल करेंगे, इसके लिए हमें आलू बॉईल करने हैं। जब सब कुछ फटाफट हो ही रहा है तो बिल्कुल क्यों ना माइक्रोवेव यूज किया जाए। जी। तो ये है हमारा इलेक्ट्रा का माइक्रोवेव ओवन जिसमें हमने 2 आलू इस वक्त डाले हैं उबालने के लिए। तो शेफ, इस आलू को तो हमने माइक्रोवेव में छोड़ दिया है, कितनी देर के लिए छोड़ना है? आलू पे डिपेंड करता है, अगर आप बहुत बड़े साइज के आलू ले रहे हैं कोशिश करिए मीडियम साइज के आलू लीजिए और करीब करीब 4 से 5 मिनट तक बॉईल करें। बॉईल आलू जो थे वो मैंने पील करके रखे हुए हैं, प्लस ग्रेट भी कर लिए हैं। तो बेसिकली आलू को बॉईल करने के बाद पील करके ग्रेट करना है, ग्रेट करना है इस आलू के हलवे, और फाइन ग्रेट करना है। चलिए शुरू करते हैं। देसी घी करीब करीब मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 टेबल स्पून घी लिया है। ग्रेटेड आलू आप इसमें मिक्स करें और भूनना यानी सौते करना शुरू कर दें। पिस्ता मैंने डाल दिया है, बादाम डाल दिया है और यहाँ काजू डाल रहा हूँ। अब छोटी इलायची, यानी अब जो हम इसको फ्लेवरिंग करेंगे और जो सबसे अच्छी महक देगी वो है छोटी इलायची का पाउडर, तो करीब करीब 1/2 टीस्पून मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। हल्का सा केसर, अब मैं ऐड कर रहा हूँ शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। ऑलमोस्ट डन है और अब बारी आती है प्लेटिंग की। तो यहाँ मैंने एक खाली कटोरी ली है, उस कटोरी में मैंने हलवा डाल किया। और हलवा डालने के बाद हल्का सा उसको प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। सिंपल है, आप प्लेट रखें और कटोरी लें, प्लेट पहले उल्टी कर लें इसके ऊपर ऐसे, और जब ऐसे करेंगे तो सिंपल है। अब बारी आती है गार्निश की, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा केसर इसके ऊपर रखें। तो लीजिए आपका आलू का हलवा रेडी है। क्या बात है, मतलब यकीन नहीं होगा, आप खा के देखिए, मैं भी खा के देखकर फिर बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। एंड इन केस यू आर ऑल्सो डाइंग टू नो, वेल इट्स वेरी सिंपल, अभी अभी शेफ ने हमें बताया है, तो आप भी जल्दी से जाइए और 5-10 मिनट में इसे बनाकर खुद ही खाकर देखिए कि कैसा है। आलू का हलवा बनाने का तरीका है, पहले आलू या पोटैटो को अवन में 4 से 5 मिनट रख के बॉईल कर लें और फिर छिलका निकाल कर इन्हें ग्रेट करके रख लें। अब एक पैन को गर्म करें और उसमें घी डाल दें। जब घी मेल्ट हो जाए तो उसमें ग्रेटेड पोटैटो को डाल के अच्छी तरह सौते कर लें। अब इसमें डालें पिस्ता, बादाम, काजू वगैरह, फिर इसमें डालें छोटी इलायची पाउडर आधा टीस्पून और थोड़ा सा केसर या सैफरन भी डाल दें। थोड़ा और पकाने के बाद इसमें कैस्टर शुगर स्वादानुसार डाल दें और फाइनली गैस को बंद कर दे। लीजिए तैयार हुआ आपका आलू का हलवा। अमेजिंग, आज पहले एपिसोड में ही आपने स्टार्टर, मेन कोर्स, स्वीट डिश, सभी में एक अनोखा टच जो आपका हमने देखा, इट वॉज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच शेफ। थैंक यू। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रेस्ट ऑफ ऑल द एपिसोड्स। आई एम श्योर आप भी यही सोच रहे हैं कि अब आगे आगे होगा क्या। वेल, आप देखिए आगे आगे होता है क्या। कीप वॉचिंग, दिस इज चेसडेल तड़का मार के। Tip of the day is brought to you by Jif. Tough on dirt, gentle to surfaces. तो आज की एक मेरी टिप, सबसे ज़रूरी, जैसे आज मैं चिकन बना रहा था तो
हमेशा अक्सर घरों में ये चीज़ दिक्कत आती है कि जब भी आप चिकन बनाते हैं तो एक हल्की सी चिकन की जो महक होती है वो रह जाती है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप चिकन यूज़ करें तो उससे पहले हल्दी और नमक और हल्का सा नींबू का जूस डालकर उसको थोड़ी देर रखें और वॉश कर लें, और उसके बाद आप मैरिनेट करके कुक करें तो वो चिकन की जो एक अजीब सी स्मेल होती है वो नहीं आएगी और आपका खाना बहुत ही लजीज बनेगा।